हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं आप लोग को दो तीन अपडेट देने वाला हूं जो सऊदी से रिलेटेड। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं जो नया वीजा स्टाम्पिंग हो रहा है सऊदी अरबिया का जो इंडिया में, तो वो लोग कैसे आ सकते हैं, वाया मालदीव वाया कतर होके आ रहे हैं फिर डायरेक्ट आ सकते हैं। काफी सारे भाई लोग का सवाल है कि वीजा स्टाम्पिंग हो रहा है तो कैसे आएंगे, रास्ते से आएंगे, डायरेक्ट फ्लाइट चालू नहीं हुआ कैसे आएंगे, तो काफी सारे लोगों का ये सवाल है। तो आज ये सब बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड पूरा वीडियो को देख लेते हैं ताकर के आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि आप लोग इंडिया से सऊदी अरेबिया कैसे आ सकते हैं, नए जो वीजा स्टाम्पिंग हो रहे हैं वो लोग कैसे आएंगे, उनकी सर्विस चार्ज कितना है और कौन से रास्ते से वो लोग आ सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रोसेस रहेगा। आज इस वीडियो में पूरा यही क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर पूरा वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता दूं, एक मेरा फ्रेंड है जिनका वीजा अभी फर्स्ट टाइम लगा है, 2 साल के बाद एक वीजा लगा है। आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में ये वीजा नया लगा हुआ है अभी पिछले हफ्ते में, करके मालदीव से आते हैं वाया होकर के कतर से आते हैं। तो इनकी जो आपकी पैकेज का जो पैसा है, पैकेज का जो पैसा, जो भी पैकेज का सर्विस चार्ज है वो कंपनी उठा रही है। तो इस तरह से आप लोग आ सकते हैं वाया मालदीव होकर के, वाया कतर होकर के आप लोग आ सकते हैं। ओके, आप लोगों को खाली सर्विस चार्ज 50 से 60,000 ही आपको ऑफिस में पे करना है। ओके, बाकी का जो पैसा बचता है वो आपकी कंपनी उठा रही है, या फिर आपका घर खाते का वीजा है, या आपका प्राइवेट वीजा है तो आपकी कफिल उठा रही है। ओके, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। काफी सारे भाई का ये सवाल है कि भाई अभी फ्लाइट चालू नहीं हुई है, वीजा स्टम्प हो रहा है, कौन से रास्ते से जाएंगे। भाई आप लोग आ सकते हैं, अगर आपके पास प्राइवेट वीजा है या आपके पास फिर कमर्शियल वीजा है तो आप लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते, लेकिन आप लोग वाया होकर के आ सकते हैं। ओके, पूरा पैकेज लेके, ओके पूरा पैकेज अगर आप लेते हैं तो मुंबई से लेकर के सऊदी अरबिया आने तक का पूरा पैकेज का आपका पूरा पैसा पे करना पड़े, आ सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, पैकेज का जो भी पैसा रहेगा वो उनका कंपनी का रहेगा या कफिल का रहेगा, आपका सर्विस चार्ज जो आपने वीजा स्टैंपिंग करवाया, मेडिकल करवाया, ये आपको पे करना है। ओके, बाकी सारा जो पैसा है वो आपकी कंपनी उठाएगी। तो इस बात का टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से काम करना है। जितना दिन में भी आपका काम हो रहा है, आपको ये सब करने में, प्रोसेस लगाने में भी आपको 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी फ्लाइट चालू हो जाती है सितंबर अक्टूबर में तो आप लोग डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल आप लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते, वाया होकर के फ्लाइट आ रही है और वाया होकर के आप लोग आ सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये तो थी आप लोग की जो नए वीजे का प्रोसेस है, नए वीजे का जो काम चालू है वो मैंने आप लोग को बताया। और आपको आने से पहले कोविशील्ड वैक्सीन 2 डोज लगाना कंपलसरी है, अगर आपने 2 डोज वैक्सीन नहीं लगाया है तो आप लोग आ नहीं सकते। ओके, और उससे पहले आपको एक PCR टेस्ट सर्टिफिकेट लेना है। ओके, उसके बाद ही आपको ट्रैवल करना, एजेंसी में जाएंगे आपको पूरी गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से आना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लगेगा और कौन सा फाइल आपको अपडेट करना है, आपको आने में तवक्कलना डाउनलोड करना है या नहीं, तवक्कलना में अपडेट करना है या नहीं। आप लोग इंडिया के कोई भी कोने में हो तो आप लोग कहीं भी हो, कोई भी कंट्री में हो, तवक्कलना को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, या नहीं तो फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये डाउनलोड करने के बाद अपना पासपोर्ट नंबर और अपना पूरा डिटेल फिल कर सकते हैं। आज जब भी आप ट्रेवल करेंगे एमन्यू बाई फर्स्ट डोज या एमन्यू बाई सेकेंड डोज आपको दिखाना चाहिए। जो भी ट्रेवल वाले से काम करोगे वो पूरी अपडेट करके देंगे, उसके बाद ही आप लोग को ट्रेवल करने के लिए अलाउ करेंगे। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को गल्फ कंट्री में आने के लिए था, चाहे आप सऊदी आओ, चाहे आप दुबई जाओ, चाहे आप कतर जाओ, चाहे आप ओमान जाओ, कोई भी कंट्री जाओ, लेकिन इसका ये प्रोसेस है इस तरह से। और इससे बेहतर आपको जानकारी के लिए आपको ट्रेवल वाले के पास जाना है, पूरी डिटेल के साथ वो लोग बताएंगे किस तरह से क्या क्या सेटअप करना है। बस मैं आप लोग को यही गाइड करूंगा कि आपको सर्विस चार्ज कोई भी कंट्री के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो 60, 50, 70, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं देना है। ओके, जो भी बाकी का प्रोसेस रहेगा क्वारंटाइन का, पैकेज का, वो आपकी कंपनी का रहेगा, आपको कुछ नहीं, आपको खाली इंडिया का सर्विस चार्ज देना है। काफी सारे एजेंट क्या करते हैं कि भाई अभी काम नहीं है तो वो लोग बोल रहे हैं 1 लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी जो रेट आज से 2 साल पहले था वो रेट आज भी है, अभी कोई कोरोना महामारी में रेट नहीं बढ़ा है। ओके, जो क्वारंटाइन का पैकेज का खर्चा है वो कंपनी का रहेगा, कफिल का रहेगा, आपका कुछ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ आपको अपनी सर्विस चार्ज देनी है। और एजेंट से बचे जो आपको 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख अफर्ट करते हैं बारगांव के नाम पे, तो उन लोगों से बचे। ओके फ्रेंड, तो मैं आप लोग को यही सजेशन करूंगा
कि आप लोग कहीं पे भी काम करें तो पूरी इंक्वायरी पूरी जांच कर ले उसके बाद ही काम करें। और एक वीडियो में मैं आप लोग को बताता हूँ काम करने से पहले उसकी पूरी गाइडलाइन को समझ ले उसके बाद ही काम करें। ओके फ्रेंड, तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए सऊदी अरबिया से। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को मिलता रहे। सऊदी अरबिया आने से पहले अगर आपको नया वीजा लग रहा है या फिर नए वीजे का आप काम कर रहे हैं तो काफी सारे एजेंट काफी सारे ट्रेवल वाले आपको बोलेंगे एडवांस दे दो 20,000-30,000 आपका वीजा लग गया और आपका काम हो गया। तो आप उनसे, मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया, मैं आपको आज आप वीडियो में बताने वाला हूं ताकि करके आप लोग का पैसा गलत जगह पे गलत लोगों के पास ना फंसे और आप लोग सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो चलिए फ्रेंड, मैं आप लोग को पूरे मोबाइल में आ गया हूं। मोबाइल के स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सिंपली आपको गूगल क्रोम आपके मोबाइल में रहेगा ये वाला जो एप्लीकेशन है ना, ये वाला देखो, ये वाला एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो ये एप्लीकेशन में मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस बार जो है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंजाज इंजाज, ओके इंजाज लॉग इन इंजाज, तो ई से लिखना है, आई से नहीं लिखना है, इंजाज के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे इंजाज के ऊपर क्लिक करोगे फर्स्ट ऑप्शन आएगा अरबी में, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है, ये गवर्नमेंट का साइड है। ओके, ये अरबी वाला जो ऑप्शन है ना इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद क्लिक करोगे थोड़ा देर के बाद ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है, आपको हिंदी में चाहिए अरबी में, उनको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में रहने देने का है। हो गया, तो मेरे पास वीज़ा नंबर भी है और मैं वीज़ा नंबर डाल देता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं मोफा नंबर। ओके, इसको मोफा के नाम से जाना जाता है। तो आपको सिंपली ऊपर आपको मोफा नंबर डालना है जहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर, तो वहाँ पर आपको मोफा नंबर डालना है। मोफा नंबर पूरा फिल करने के बाद E2 से शुरू होगा, ओके उसी को मोफा नंबर कहते हैं। वो डालने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे वाले खाने पर, उसके बाद वहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। ओके, मोबाइल में भी इसी तरह से दिखेगा, यही सेम प्रोसेस है मोबाइल में चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना सिंपली अपना पासपोर्ट नंबर फिल कर देना है, पहला वर्ड उसका कैपिटल में रहेगा, आप लोग देख सकते हैं आपके पासपोर्ट में। ओके, उसके बाद ही आप लोग को आगे का प्रोसेस करना है। ओके, उसके बाद छोटा जो भी वर्ड्स होगा वो डालना है, वो डालने के बाद आपको पूरा एक बार चेक कर लेना। चलिए फिर कैप्चर कोड भी फिल कर देते हैं, नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, उसके बाद कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद सिंपली इंक्वायरी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीज़ा सामने नज़र आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जैसे अभी हो गया पूरा फिल, मैंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद अभी मैं एंट्री पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया देखो आपको इस तरह से आपके सामने में आ गया है। तो ये है आपका वीज़ा, आपका वीज़ा कहाँ लगा है, मुंबई में लगा है, उसका पूरा नाम, उसका पूरा डिटेल आपको चेक कर लेना है, वीज़ा लगा है या नहीं लगा है। आपका अगर वीज़ा सही में है, आपका मोफा नंबर सही में है तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा दिखेगा, पासपोर्ट नंबर, आपका कौन सा काफिल है उसका पूरा नाम आपके सामने में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आप लोग कोई भी ट्रैवल या कोई भी एजेंट को पैसा दे सकते हैं। जैसे ही आप उसके पास जाओगे तो आप उसको बोल सकते हो मेरे को मोफा नंबर दे दो, आपको कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही वो आपको मोफा नंबर देगा तो आप अपने मोबाइल में डाल करके चेक कर सकते हैं, इंजाज करके आपके सामने में पूरा साइट दिया हुआ है, ये साइट से चेक करने के बाद आप उनको पैसा पे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, उसके बाद पूरा चेक करने के बाद आपको, आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रिंट करके रखूं तो आप मोबाइल में भी प्रिंट का सिस्टम है, आप मोबाइल से भी अपना वाईफाई से भी प्रिंट करवा सकते हैं दूसरे डेस्कटॉप से, या तो फिर आप अपने मोबाइल में पीडीएफ फाइल्स सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको कोई भी साइबर कैम्प में या भी कोई भी कंप्यूटर वाले के पास जा करके अपना प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक कर दिया प्रिंट पे, तो पीडीएफ फाइल बन के आ जाएगा। इस तरह से कुछ दिखेगा आपका, पूरा पूरा डिटेल आपको अच्छे से प्रिंट करने के बाद पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव का बटन है ना, आपको दिख रहा होगा पीडीएफ का, इस तरह से आपके मोबाइल पे भी आएगा। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ वाले फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे सेव पे, तो सेव हो जाएगा, आपके गैलरी में पहुँच जाएगा, और वो जाने के बाद फिर आप लोग कहीं पर भी प्रिंट करवा सकते हो। तो ओके फ्रेंड, यही सब प्रोसेस है, आपने देख लिया है, इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को पहले मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए।